सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में पंजे से निकलकर कमल का दामन थामने वाले वो बीजेपी के टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया गांधी का विरोध करते हुए अपने समर्थकों के साथ उनका पुतला फूंककर अपना विरोध जाहिर किया। बताते चले कि कांग्रेस की मुखिया सांसद रायबरेली सोनिया गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा था और कहा था कि यह सब हिंसा बीजेपी करा रही है। ऐसी स्थिति में अमित शाह को गृह मंत्री पद पर बने रहने का कोई नैतिक कर्तव्य नहीं है। इसी को लेकर रायबरेली के पूर्व कांग्रेसी एमएलसी व मौजूदा समय में बीजेपी नेता दिनेश प्रताप सिंह तथा बीजेपी के ब्लॉक तहसील जिला स्तर के सारे पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने रायबरेली जिला ग्राम उद्योग कार्यालय के पास एकत्रित होकर सोनिया गांधी व प्रियंका गांधी मुर्दाबाद के नारों के साथ विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि यह कांग्रेस पार्टी की मुखिया गृह मंत्री से कैसे इस्तीफा मांग सकती है। बाकी 1984 दंगों के पीड़ित सिख समुदाय को न्याय नहीं दिला सकी और इन्हीं के नेताओं द्वारा सिखों के ऊपर बर्बरतापूर्वक उनकी संपत्ति को लूटा गया, उनके परिवार में लोगों को मारा गया। यह कांग्रेसी किस न्याय की बात करते हैं और कहां की परिवारवाद से पार्टी को विनाश तक ले जाने वाली कांग्रेस पार्टी हर मामले में असफल हो जाने के बाद अब देश हित में किए जा रहे कार्यों में भी खोट निकाल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किए गए फैसलों ने पूरे विश्व में भारत का सिर ऊंचा किया है। अपने संसदीय क्षेत्र के जनहित के मुद्दे पर असफल सांसद सोनिया गांधी द्वारा गृह मंत्री का इस्तीफा मांगना उनकी बौखलाहट का प्रमाण भी है, क्योंकि गृह मंत्री अपनी सेवा के आधार पर जनता से चुनकर आए हैं। सोनिया गांधी जी की तरह सपा बसपा की बैसाखी से जीतकर नहीं आए, इसलिए इस्तीफा तो सांसद सोनिया गांधी जी को अपना देना चाहिए जो अपने परिवार, पार्टी और जनता से किए गए वादों को पूरा करने में पूरी तरह से असफल हो गई है। एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने सांसद सोनिया गांधी द्वारा दिए गए बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि रायबरेली में किसान अपनी फसल बचाने से परेशान है, जिसके लिए सोनिया गांधी ने अपनी सांसद निधि से एक गौशाला तक नहीं बना सकी और बात किसानों के हक की करती है। जनता ने जिस काम के लिए वोट देकर उन्हें यहां तक पहुंचाया है और जनता की गाड़ी कमाई से सोनिया गांधी हर महीने वेतन लेती है, उस काम को भी कभी नहीं किया। आज तक सांसद में रायबरेली का जो सांसद रायबरेली की समस्याओं को और विकास की बात तो कह तक नहीं पाया हो, ऐसे असफल सांसद को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो सांसद अपने राजनीतिक विरोधियों से जनता के बीच ना लड़कर न्यायालय में वकील खड़ा करके लड़ाई लड़े वह असफल ही कहा जाएगा, इसलिए नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सफलता की प्रतिमूर्ति बताते हुए सोनिया गांधी को रायबरेली का असफल सांसद बताया है। श्री सिंह ने कहा कि अमित शाह का इस्तीफा मांगने और उन्हें असफल बताने वाली सोनिया पहले असफलता की परिभाषा समझे फिर आरोप लगाए। मीडिया को दिए बयान में सिंह ने कहा कि जो सांसद एक वर्ष में 5 दिन भी ना आया हो उसे नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। रायबरेली से संवाददाता सुधीर अग्निहोत्री की रिपोर्ट। खानदान की 4 पीढ़ियां नहीं कर पाई उसको मोदी जी और अमित शाह जी ने मिलकर के 1 साल में पूरा किया है। सोनिया गांधी जी असफल कौन है? रायबरेली के लोगों की गाढ़ी कमाई के पैसे से हर महीने तनख्वाह लेती हो इसलिए कि मैं जाऊंगी संसद में आपकी आवाज उठाऊंगी। वो अपनी बात रखेंगे उसके बाद ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.